जिलाधीश कांगड़ा के निर्देशानुसार ज्वालामुखी में फंसे लगभग 70 लोगों को हिमाचल वापस लाया गया। ये लोग सिरमौर के रहने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर काम करते थे। नूरपुर से 3 बसें जम्मू कश्मीर को भेजी गई थी और जम्मू कश्मीर में फंसे लोगों को वापस सिरमौर पहुंचाया गया। एसडीएम नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि जिलाधीश कांगड़ा के निर्देशानुसार जम्मू कश्मीर में फंसे लगभग 70 लोगों को लाने के लिए नूरपुर से 3 बसें भेजी गई थी। प्राप्त मात्रा में उन लोगों के लिए खाना और पानी की व्यवस्था करके पटवारी के साथ इन्हें भेजा गया था। सभी लोग जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर काम कर रहे थे। उन लोगों को जम्मू कश्मीर से लाकर अब सिरमौर भेजा जा रहा है। श्रीनगर, ये जो जम्मू और कश्मीर सिरमौर की जो लेबर है जो कश्मीर और जम्मू में जो अलग अलग जगहों पे काम करती थी, 70 के आसपास लोगों के लिए इसमें को डी साहब के माध्यम से लापता हुई थी और डी साहब के आदेशों के अनुसार ही हमने यहाँ से इनके लिए 3 बसेज भेजी। बसेज में हमने उनको लेने के लिए यहाँ से एक पटवारी भेजा था। पर्याप्त मात्रा में हमने यहाँ से फूड और फ्रूट्स भेजे थे, पानी की व्यवस्था मैंने की थी। वो बहुत सारी अलग अलग जगहों पर थे, बहुत सारे लोग जो है चनैनी टनल के आसपास थे, कुछ उधमपुर में भी थे, कुछ जो है जम्मू में लोग फंसे हुए थे, कुछ लखनपुर में भी थे। तो हमने 3 अलग अलग बसेज यहाँ से भेजी। 3 अलग अलग बसेज में उनको जो है हमने एक जगह पर इकट्ठा करके जो है उनको सिरमौर पहुँचा दिया है उनके घर।